জনজাতিদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণে 1,300 কোটির অর্থ রাশি এক বিশাল পদক্ষেপ। ডুম্বুর এখন কালা পানি নয়, ডুম্বুর এখন সব জায়গাতেই সমাদৃত। রবিবার বিলিভার্স ইস্টার্ন চার্চ আয়োজিত কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে একথাই বললেন বিপ্লব কুমার দেব। এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন বিপ্লব কুমার দেব। জনজাতীয় কে জীবন মান উন্নয়ন কে লিয়ে ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট কে কাম পে লাগানে কে লিয়ে ये कभी भी 13 पैसा भी किसी ने ला नहीं पाया था। जनजातियों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए 1300 करोड़ रुपया एक साथ सैंक्शन करके लाना त्रिपुरा के इतिहास में पहली बार मोदी जी के नेतृत्वाधीन भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने करके दिखाया। मैं नहीं बोलूंगा ये बहुत कुछ हो गया, ऐसा शुरुआत तो हुआ है, पहले तो शुरुआत ही नहीं होती थी। आज 1300 करोड़ रुपए शुरुआत हुई है। आज जिस गंडा चुरा को किसी को भी ट्रांसफर करता हूँ तो बोलता है काला पानी में कर दिया, बहुत अंदर कर दिया। आज डुंगूर इतना सुंदर हो गया, वहाँ 40 के आसपास लॉ घाट बन चुका है और उसमें एसी चलती है। वो 3-स्टार 4-स्टार क्वालिटी की लॉ घाट डुंगूर में बनी हुई है, टापू में नारकुल कुंज में हेलीपैड बन चुकी है, रास्ता पहुंच गई है। मैं भी जाता हूँ, लोग भी आते हैं इसको देखने के लिए, जिसको एक समय पुराने सरकार ने पनिशमेंट का स्थान बना के रख दिया था, इसीलिए जनजाति को लगता है जो हम लोगों को इस तरीके से देखता है। किंतु ये सरकार आने के बाद वही गंडा चढ़ा को आज पूरे दुनिया के नक्शे कदम में ला के रख दिया है। आज इस छबीमुरा को हमने डेवलपमेंट कर दिया है और आप लोगों को जान के खुशी होगी, नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, गोंडाचरा में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये सरकार ने 4.5 साल में 1200 करोड़ के आसपास पैसा लगाया केंद्र में राज्य सरकार ने। তিনি এদিন বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সবকা সাথ সবকা বিকাশের মাধ্যমে 3 তালাক প্রথা উৎখাত করে মুসলিম মহিলাদের সম্মান করেছেন। এ নিয়েও প্রধানমন্ত্রী প্রশংসা করেছেন বিপ্লব কুমার দেব। শুধু তাই নয়, এদিন তিনি বলেন ভারতের স্যাটেলাইট বিশ্বের সবচেয়ে কম খরচের স্যাটেলাইট। ভারতের বিজ্ঞানীরা সবচেয়ে কম খরচে স্যাটেলাইট বানিয়ে নজির সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও ভারত নিজেদের তৈরি ডিফেন্স সামগ্রী বিদেশে বিক্রি করছে, সে কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন এদিন। सबका साथ सबका विकास बोलता है, आज जात पात पंथ को मोदी जी ने पीछे ढकल दिया, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति नरेंद्र भाई मोदी ने दिया, नहीं तो उस महिला को सम्मान नहीं मिलती थी। कितना कष्ट है ये आप मालूम करके देखिए, यह महिला है, एक महिला को 3 बार बोलेगा तलाक 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 और उस महिला का जीवन खत्म हो जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। ये व्यवस्था तो पुरुषों में भी नहीं है यार, पशु में भी ये व्यवस्था नहीं है, ये मानव समाज में थे नरेंद्र भाई मोदी ने उसका समाप्त किया है। मुझे गर्व है ऐसा एक प्रधानमंत्री मिली है और जिसको जो कि सबको साथ लेके काम करना चाहते हैं, हर वर्ग के लोगों को साथ लेके काम करता है। और आज সব মিলিয়ে এদিন তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির প্রশংসা করেছেন। এদিন বিপ্লব কুমার দেবের সম্পূর্ণ ভাষণ জুড়ে ছিল মোদীর প্রশংসা। তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন, আমি অনেক ভাগ্যবান, আমি নরেন্দ্র মোদীজির মতো একজন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ই নিউজ।